अच्छा दीपक को जहानाबाद की जनता पे युवाओं पे कितना विश्वास है? 110%, क्योंकि युवा ही आज समझ सकता है युवाओं का दर्द। 2016-17 से हम जहानाबाद के हर एक गांव-गांव में जाकर के उनकी समस्या को सुने समझें, तब मजबूरन हमको जो है 26 साल के एज में आना पड़ा। हम लोग जो है घर घर में जाकर के जो है कन्यादान का लाभ दिया, गरीब बच्ची की शादी में हम लोग सपोर्ट दिया, वाहन दिया, सारा सामान दिया। बोलते हैं इतना तो सरकार भी नहीं करता है। जो 70 साल के हैं 75 साल के हैं उनको युवाओं का क्या दर्द पता चलेगा? इसलिए युवा आज हमारे साथ है कि युवा का दर्द युवा ही समझ सकता है। एकदम भौकाल बना दिया जहानाबाद जी, जी जी ये जहानाबाद की जनता चाह रही है कि जहानाबाद को बदले। ये जहानाबाद की जनता का प्यार है। अच्छा। जहानाबाद का मेन समस्या तो जाम का है, जो पूरे जहानाबाद टाउन का। जी पूरे जहानाबाद टाउन का और समर्थन दिख रहा दीपक भाई, मतलब कि सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, ये अचानक से कैसे मतलब कि कैलकुलेट कर पाए? वही बता रहे ना, ये जहानाबाद की जनता का प्यार है और ये अचानक से नहीं हुआ है। 25,000 लोग अभी भी काम कर रहे हैं जहानाबाद में। हम बता सकते हैं आपको तकरीबन 2,500 से 3,000 लोगों को हमने रोजगार दिया है। ये जहानाबाद में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार चुनाव लड़ करके सभी नेताओं के नाक में दम कर दिया है। हम भी परेशान थे। किससे परेशान थे? रोजगार, हर लोग परेशान है, पूरा देश परेशान है। रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो रोजगार तो उत्पन्न करना पड़ेगा ना। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है जहानाबाद में और जहानाबाद में लोकसभा का जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इसका कारण एक ये है कि इनके जो हमारे बगल में खड़े हैं युवा नेता हैं दीपक शर्मा जी, और ये जहानाबाद में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार चुनाव लड़ करके सभी नेताओं के नाक में दम कर दिए हैं। दीपक जी सबसे पहले तो स्वागत होगा। धन्यवाद धन्यवाद अमित जी, कैसे हैं? पूरा एकदम भौकाल बना दिया जहानाबाद जी, जी जी ये जहानाबाद की जनता चाह रही है कि जहानाबाद को बदले। ये जहानाबाद की जनता का प्यार है। अच्छा जी, रोड शो कर रहे हैं आप और समर्थन मिल रहा है दीपक जी? अब समर्थन तो रहेंगे ना, युवा है, युवा को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस दोनों बुजुर्गों से परेशान है। कौन दोनों बुजुर्ग, उनका नाम सुनना चाहते हैं हमारी जनता? और नाम जनता जान रही है। दोनों बुजुर्गों से परेशान है, इसलिए जो है दीपक को चुन रही है यहाँ पे जहानाबाद। अच्छा दीपक को जहानाबाद की जनता पे युवाओं पे कितना विश्वास है? 110%, क्योंकि युवा ही आज समझ सकता है युवाओं का दर्द। वो 70 साल और 75 साल वाले नहीं समझ सकते हैं, युवा ही समझ सकता है कि 18 से 25 साल 30 साल के एज में उस जब उनको नौकरी नहीं मिलती है, बहुत लोग परेशान होकर के इधर उधर जाते हैं, बाहर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो युवाओं को समझने के लिए युवा को ही अब आगे आना पड़ेगा, पूरे देश में आगे आना पड़ेगा युवा को। अच्छा एक बात बताइए दीपक जी, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, माइंड में कैसा है? आप तो अभी युवा है, नौकरी वगैरह करना चाहिए था, डायरेक्ट जहानाबाद चुनाव में, वो भी सबसे हॉट सीट में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम भी वही लाइन में जाते हैं तो फिर बाकी युवाओं का कौन सोचता है? हम भी परेशान थे। किससे परेशान थे? रोजगार, हर लोग परेशान है, पूरा देश परेशान है। रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो रोजगार तो उत्पन्न करना पड़ेगा ना। रोजगार हमने उत्पन्न किया संगठन के माध्यम से, धीरे धीरे जो है पूरे भारतवर्ष में तकरीबन हमारे यहाँ 25,000 लोग अभी भी काम कर रहे हैं जहानाबाद में। हम बता सकते हैं आपको तकरीबन 2,500 से 3,000 लोगों को हमने रोजगार दिया है एक संगठन में रहकर, बिना कोई पद पर रह करके। अब हम जब दिल्ली पहुँचेंगे तो रोजगार देंगे उनको, क्योंकि हम उनका दुख दर्द समझ सकते हैं। क्या दुख दर्द है जहानाबाद की, दुख दर्द क्या है दीपक? सबसे पहले रोजगार चाहिए जहानाबाद को, उसके बाद अच्छी सड़क व्यवस्था चाहिए। अच्छी सड़क नहीं है जहानाबाद में, जिससे लोग परेशान हैं। पीने का पानी भी कहीं कहीं नहीं, बहुत सारे और भी पूरा समस्या है। जहानाबाद का मेन समस्या तो जाम का है, जो पूरे जहानाबाद टाउन का। जी पूरे जहानाबाद टाउन का जो जाम लगता है देर देर तक, उसमें बहुत सारा एम्बुलेंस फंसा रह जाता है, दुर्घटना भी हो जाता है। अच्छा इतना अच्छा जो स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, इतना जो अपार समर्थन दिख रहा दीपक भाई, मतलब कि सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, ये अचानक से कैसे मतलब कि कैलकुलेट कर पाए? वही बता रहे ना, ये जहानाबाद की जनता का प्यार है और ये अचानक से नहीं हुआ है। ये 2016-17 से हम जहानाबाद के हर एक गांव-गांव में जाकर के उनकी समस्या को सुने समझें, तब मजबूरन हमको जो है 26 साल के एज में आना पड़ा। अन्यथा हमारे पास फैसिलिटी की कमी नहीं है, एक मौजूदा सांसद जो हैं उनसे कई गुना फैसिलिटी हमको संगठन में दी गई, फिर भी हमको युवाओं के लिए ये धूप पसीना बहाने के लिए आना पड़ा है। चिलचिलाती धूप में क्या जरूरत थी आपको मतलब कि जहानाबाद की सड़कों पे घूमना? वही तो बता रहे हैं ना, जहानाबाद में हम पढ़े लिखे, बचपन बीता है, आज भी हमारे युवा साथी जो है जो साथ में पढ़ते लिखते थे, कहीं दिल्ली है, कहीं मुंबई है, कहीं चेन्नई है, तो उन सबका जो परेशानी सुन के मजबूरन हमको आना पड़ा। उनका दर्द मतलब कि आपको देखा नहीं, सुनने वाला नहीं है, सिर्फ पुराने लोग वादा करते आ रहे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से सिर्फ वादा ही वादा देखते आ रहे हैं, इसलिए मजबूरन आना पड़ा। कैसे लड़िएगा दीपक जी? आपके पीछे हम समझ सकते हैं कि समर्थन है, लेकिन आपके आगे दो ढाल भी है, उसको कैसे फतह कीजिएगा? कोई ढाल नहीं है, कोई ढाल नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है,
दो ढाल होने से पीछे जो जनता है देख रहे हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि उधर दो ढाल होगा लेकिन हमारे पीछे जनता, बस पूरे जहानाबाद की जनता है। क्या हम बोल रहे थे कि जहानाबाद में जब आप घूम रहे होंगे तो जहानाबाद में आप एक एक गांव में गए होंगे, मैक्सिमम गांव में गए होंगे, ग्रामीणों का क्या शिकायत है, यहाँ की जनता का क्या शिकायत है? ग्रामीण तो यही बोलता है, तू तो बउआ इतना दे था हूँ, बाकी तो हमारा सरकारी लाभ कुछ मिलवे ना करा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो जानते ही नहीं है कि क्या हमको मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, कोई नहीं, कोई बोला कोई है करने वाला आज डेट में संगठन मेरा के हम लोग जो है घर घर में जा करके जो है कन्यादान का लाभ दिया, गरीब बच्ची की शादी में हम लोग सपोर्ट दिया, वाहन दिया, सारा सामान दिया, बोलते हैं इतना तो सरकार भी नहीं करता। जो सरकार नहीं कर रहा है, जो राधा स्वामी संगठन कर, जी जी कर रही है, आगे भी करते रहे, बिल्कुल बिल्कुल आगे भी करते रहेगी, अभी भी कर रही है। चुनाव जीतना हारना वो अलग बात है लेकिन जो सेवा है वो पर है, वो मेरा बचपन से है और वो हम करते रहेंगे। अच्छा, हमारी जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहती है, हर कोई कैंडिडेट किसी न किसी पार्टी से है, दीपक जी किस पार्टी से है, क्या चुनाव चिन्ह है, कितना क्या बोलते हैं कि क्या क्या? देखिए, हम कोई बड़ी पार्टी से नहीं है, और बड़ी पार्टी से रहते तो फिर वही होता, पार्टी फंड में इतना चंदा दीजिए टिकट मिलता, हमको फिर इतना धूप में घूमने की जरूरत क्या थी, जैसा बाकी लोग कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से घूमते। लेकिन नहीं, मुझे जनता का समस्या जानना है, सब चीज़ सुनना है, इसलिए हम हर जगह निकल पड़े हैं। जागरूक जनता पार्टी है, उसी के हम जहानाबाद लोकसभा के उम्मीदवार हैं। चुनाव चिन्ह क्या दीपक? फुटबॉल खिलाड़ी छाप मिला है, 8 नंबर पे है, और इस बार जहानाबाद की जनता जो है 8 नंबर पे बटन दबा रही है। 26 साल के दीपक शर्मा पूरे जहानाबाद में भौकाल मचाए हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि इस बार जहानाबाद को हम जीतेंगे। जी जी बिल्कुल जीतेंगे, ये जहानाबाद की जनता जीत रही है, हम नहीं जीतेंगे, हम तो बस सेवा करने आए, सेवा करेंगे, सेवा करने आए, सेवा करते रहे। जी जी, उनकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। आखिरी सवाल होगा दीपक जी, अपने क्षेत्र की जनता को और ये जो युवा लोग धूप में क्या बोलते हैं कि आपके साथ हैं, उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? बस हमारे साथ जो है वो अच्छे जगह जाएंगे, अब उनको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हमने बताया है कि जो 70 साल के हैं, 75 साल के हैं, उनको युवाओं का क्या दर्द पता चलेगा, इसलिए युवा आज हमारे साथ है कि युवा का दर्द युवा ही समझ सकता है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जनता को? पूरे जहानाबाद को संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले 1 जून को 8 नंबर दीपक कुमार फुटबॉल खिलाड़ी छापे बटन दबाइए, और जहाँ दीपक रहेगा ये मेरा वादा है, अंधकार वहाँ से दूर भागेगा। दीपक जहाँ रहेगा अंधकार वहाँ से दूर भागेगा, दीपक जी का कहना है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि जहानाबाद कौन जीतता है, कौन जीतता है कौन हारता है, ये बात की बात है, लेकिन जहानाबाद का माहौल जो दीपक शर्मा है वो टाइट कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को किसके पाले में जहानाबाद जाता है। जहानाबाद का एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।